हाय, तो देखिए अब इस वीडियो में हम देखेंगे एक एग्जांपल कलर्ड इमेजेस की कन्वोल्यूशन का, और हम देखते हैं इस एग्जांपल को एक वर्टिकल फिल्टर के साथ में। तो ये अब मान लीजिए एक 6x6x3, वेयर 3 इज द नंबर ऑफ चैनल्स, कलर चैनल्स बेसिकली, जो इस केस में 3 है, आरजीबी, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो इसको जब हम एक हमने 2D में जब देखा था कि वर्टिकल फिल्टर आखिर कैसे काम कर रहा था, जैसी हमारी इमेज है बेसिकली, हमने पता है कि ये जो है ये भी 3x3x, तो ये जो 3 है और ये जो लास्ट वाला 3 है नंबर ऑफ चैनल्स, ये बराबर होने चाहिए। ये 3x3 की जगह 5x5 भी हो सकता है एंड सो ऑन। जो हमने पुरानी जो चीज़ें देखी हैं 2D मैट्रिक्स के लिए, वो सब इन सब चीज़ों पे एप्लीकेबल हैं, बस आप इसको थोड़ा सा 3D में एक्सटेंड कर लीजिएगा। तो अब देखिए, जो फाइनली आपका रेड जो है, अगर सपोज़ कीजिए हम इसमें वर्टिकल फिल्टर डिज़ाइन कर रहे हैं, तो देखिए आपका जो रेड है वो फिल्टर दिखेगा वही चीज़ जो हमने पहले देखी थी। लेकिन अब इस केस में आपके जो है ये तीनों के तीनों फिल्टर्स, अगर तो अब ये जो आपके है ये एक वर्टिकल एज डिटेक्ट कर रहे हैं कलर्ड इमेजेस में भी। अब चाहे तो आप इन सबको वेरिएबल्स रख सकते हैं कि भाई ये है W1 रेड, W2 रेड, W3 रेड एंड सो ऑन अनटिल W9 रेड। फिर ये आपके हो जाएगा, देखिए W1 ग्रीन, W2 ग्रीन, W3 ग्रीन एंड ऑल द वे अनटिल W9 ग्रीन, ठीक है। एंड सिमिलरली आपके ये भी हो जाएगा, तो W1 ब्लू, W2 ब्लू, W3 ब्लू एंड सो ऑन ऑल द वे अनटिल W9 ब्लू। तो ये आपके पास देखिए 27 पैरामीटर्स हैं। इन 27 पैरामीटर्स को आप जैसे हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं, आप वैसे मल्टीप्लाई करेंगे और ये आपको डिफरेंट डिफरेंट जो एज डिटेक्टर्स हैं उनको लर्न करना सीख सकते हैं, चाहे वो वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो, किसी एंगल पे हो एंड सो ऑन। वही जो हमने कंसेप्ट वही है जो हमने पहले सीखा था, बस अब आप इसको 3D तक ले जाने की बात कर सकते हैं कि आखिर RGB में कैसे काम करेगा। तो देखिए, जैसा कि इन पैरामीटर्स से ये भी क्लियर हो रहा है कि इन तीनों फिल्टर्स को जो है यहाँ की तरह सेम वैल्यू लेना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ये सारे पैरामीटर्स अलग अलग वैल्यूज़ ले सकते हैं और कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी लर्न कर सकते हैं, ये भी कम्प्लीटली वैलिड होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इन सब की वैल्यूज़ जो है, जैसे फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी और इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर ऐसा ज़रूरी कर देते हैं हम दम, तो फिर तो इन तीन फिल्टर्स की ज़रूरत है ही नहीं, फिर तो हम पैरामीटर्स वापस कम कर सकते हैं। ये सारे पैरामीटर्स पोटेंशियली डिफरेंट वैल्यूज़ आराम से ले सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। कहते हैं कि जब आप 6x6x3 एंड 3x3x3 के फिल्टर को कन्वोल्यूशन करते हैं, तो आप बेसिकली आपको मिलता है 4x4 का 4x4x1 बेसिकली, क्योंकि ये एक ही 2D मैट्रिक्स है, इसमें चैनल्स नहीं मौजूद हैं। अब अगर आप इसमें अपने पुराने वाले फॉर्मूले लगाना चाहेंगे तो वो बेसिकली कैसे हो जाएंगे, ये देखिए वही n माइनस एफ बेसिकली +1, ठीक है। तो n माइनस एफ प्लस 1, ये 4 वहीं से आ रहा है, 6 माइनस 3 विच इज 3 +1 दैट गिव्स यू 4, तो ये 4x4 आ जाएगा। अभी भी जो आप मैट्रिक्स के जो हाइट एंड विड्थ निकालेंगे उसमें, तो देखिए अभी भी ये n और f का ही रोल है। इसका क्या रोल है, इसका एस सच अभी तक तो देखिए कोई रोल नहीं है, बिकॉज ये तीनों, अगर ये 5 होते तो ये भी 5 होता, तो वो मिलके वापस 1 ही बन जाते। तो इसलिए जो इसकी जो
हाइट एंड विड्थ है उसमें अभी फिलहाल तो देखिए चैनल्स का कोई रोल नहीं है।